हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर थर्ड बीकॉम पार्ट, जो आपका बीकॉम पार्ट फर्स्ट था एबीएसटी पेपर सेकंड, उसमें आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई थी। फर्स्ट यूनिट में मैंने एक चैप्टर क्लासिफिकेशन करा दिया, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड की, यूनिट थर्ड, और उसमें चैप्टर कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण के माप वाला टॉपिक पढ़ेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर सेकंड बुक है आपकी बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। और टॉपिक है यहाँ पर अपकिरण के माप, अपकिरण के माप, अपकिरण के माप का टॉपिक पढ़ेंगे, और ये यूनिट नंबर थर्ड का है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, अपकिरण के माप, ये अपना टॉपिक है यूनिट नंबर थर्ड का। देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब होता है अपकिरण का अर्थ क्या होता है, समंकों के फैलाव या बिखराव को ही अपकिरण कहते हैं। देखिए सब अपकिरण का शाब्दिक अर्थ फैलाव या बिखराव से होता है, जो अपकिरण है उसका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है जो भी आपके समंक या डेटा है उनके फैलाव या बिखराव से। क्लियर होगी बात। देखिए यहां पर अपकिरण का अपकिरण का अर्थ देखिए, अपकिरण मदों के विचलन का माप है, अपकिरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण मदों के विचलन का माप है, अपकिरण मदों के विचलन का माप है। अपकिरण क्या है? मदों के विचलन का माप है, अपकिरण मदों के विचलन का माप है। देखिए डिस्पर्सन इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज द मेजर Dispersion is the measure of the variation, measure of the variation. देखिए dispersion is the measure of the variation of the item, of the item. Clear? तो वही क्या कहलाएगा? अपकिरण मदों के विचलन का माप है, यानी कि उनका डेविएशन कैलकुलेट करते हैं जो भी अपने पास आइटम्स होते हैं
चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूअस सीरीज हो, तो उनके विचलन कैलकुलेट करना ही आपका क्या कहलाएगा, अपकिरण कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब व्यक्तिगत पद मूल्यों में, क्या व्यक्तिगत पद मूल्यों में जितनी भिन्नता होगी वही आपका क्या कहलाएगा, अपकिरण कहलाएगा। अब देखिए ये तो अपकिरण का मतलब हो गया, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल चैप्टर है ये, ठीक है, और इसमें है अपकिरण के माप की विधियां या रीतियां, मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। क्लियर, तो देखिए आगे आपका अपकिरण के विभिन्न भाग, डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अपकिरण के विभिन्न माप, अपकिरण के क्या है, विभिन्न माप, डिफरेंट मेजर ऑफ, डिफरेंट मेजर, डिफरेंट मेजर्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, डिफरेंट मेजर ऑफ डिफरेंट, अपकिरण के विभिन्न माप। देखिए फर्स्ट है आपका सीमा रीतियां, मेथड्स ऑफ लिमिट, मेथड्स ऑफ लिमिट्स, इसमें आपका विस्तार, एक तो आएगा रेंज, क्या आएगा, विस्तार रेंज, दूसरा आपका इसमें आता है अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर आपका है चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, और लास्ट आपका है शतमक विस्तार, परसेंटाइल रेंज। देखिए सीमा रीतियों को चार भागों में बांटा, मेथड्स ऑफ लिमिट्स को, पहला इन्होंने बताया विस्तार रेंज, दूसरा अंतर चतुर्थक विस्तार इंटर क्वार्टाइल रेंज, तीसरा आपका चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डिवीजन, और पांच तीसरा और चौथा आपका परसेंटाइल, परसेंटाइल, परसेंटाइल रेंज। क्लियर, फिर इन्होंने बताया विचलन माध्य रीतियां, देखिए यहां पर इन्होंने बताई विचलन माध्य रीतियां, विचलन माध्य रीतियां, विचलन माध्य रीतियां है वो दो भागों में बांटी गई है, मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन। देखिए मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, आपका इन्होंने दो बार किए इनका,
एक तो बताया माध्य विचलन, मीन डेविएशन, दूसरा इन्होंने बताया प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन सा डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है? देखिए अब आपका लास्ट आता है बिंदु रेखीय रीति, ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड, और इसमें आपका था लॉरेंज वक्र। केवल एक ही था लॉरेंज वक्र, ठीक है? बिंदु रेखीय रीति, ग्राफिक मेथड्स और लॉरेंज वक्र। लॉरेंज, LORENGE, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व, क्लियर? तो ये आपके क्या होगी, अपकिरण के माप की विभिन्न रीतियां होगी। मैं देखिए डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण के विभिन्न माप, डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, सीमा रीतियां, मेथड्स ऑफ लिमिट, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और परसेंटाइल रेंज। क्लियर? इधर है मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? इधर ग्राफिकल मेथड में एक आपका है लॉरेंज कर्व। क्लियर? तो ये हम प्रैक्टिकल है जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रेंज की। किसकी? रेंज, विस्तार। देखिए किस प्रकार से विस्तार की कैलकुलेशन की जाती है। देखिए विस्तार, रेंज, विस्तार, रेंज की देखिए विस्तार का मतलब क्या होता है। देखिए विस्तार का मतलब क्या होगा, किसी भी सीमांक श्रेणी के अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्यों का, किसी भी सीमांक श्रेणी के अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्यों का अंतर ही आपका क्या कहलाता है, विस्तार कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज। क्लियर होगी बात? तो रेंज क्या होगा आपका, अधिकतम मूल्यों और न्यूनतम मूल्यों का अंतर ही आपका क्या कहलाएगा, विस्तार कहलाएगा। देखिए किसी समंक श्रेणी के अधिकतम मूल्य एवं न्यूनतम, देखिए किसी समंक श्रेणी के अधिकतम मूल्य व न्यूनतम मूल्यों मूल्य के अंतर को विस्तार
कहते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, किसी भी समंक श्रेणी के अधिकतम मूल्य व न्यूनतम मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? विस्तार कहते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। देखिए अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य का जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उसका अंतर ही आपका क्या कहलाएगा? विस्तार कहलाएगा। देखिए अधिकतम मूल्य और एक आपका न्यूनतम मूल्य, हाईएस्ट वैल्यू और एक आपकी कौन सी? लोएस्ट वैल्यू, इनका डिफरेंस ही आपका क्या कहलाएगा? विस्तार कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? देखिए विस्तार और विस्तार किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, इसकी गणना कैसे की जाती है? गणना देखिए इसका फॉर्मूला होता आर इक्वल टू एच माइनस एल। आर इक्वल टू आपका होगा क्या? रेंज। एच इक्वल टू आपका क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू। एल इक्वल टू आपका क्या होगा? लोएस्ट वैल्यू। तो ये आपका क्या कहलाएगा? विस्तार कहलाएगा। देखिए विस्तार आर इक्वल टू एच माइनस एल, आर इक्वल टू रेंज, ठीक है। एच की वैल्यू होगी हाईएस्ट वैल्यू और एल की वैल्यू होगी लोएस्ट वैल्यू। अब इसके बाद देखिए इसमें एक कैलकुलेट, ये तो आ गया आपका आर, एक इसमें कैलकुलेट किया जाता है विस्तार का गुणांक। देखिए विस्तार का गुणांक गुणांक या गुणांक कोफिशियंट ऑफ रेंज, कोफिशियंट ऑफ रेंज, विस्तार का गुणांक कोफिशियंट ऑफ रेंज। देखिए कॉफिशियंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है एच माइनस एल बटा एच प्लस एल। क्लियर हो गई बात? ये इसका फॉर्मूला होगा, विस्तार के गुणांक का फॉर्मूला होगा कॉफिशियंट ऑफ रेंज एच माइनस एल और एच प्लस एल। देखिए यहां पर मेथड, देखिए मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं, अपकिरण के माप के विभिन्न विधियां या रीतियां, और उसमें पहली थी आपकी फर्स्ट मेथड था विस्तार, रेंज। रेंज किस प्रकार से? देखिए रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज। किसी समंक श्रेणी के अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? विस्तार कहते हैं। अब समंक श्रेणी आपकी व्यक्तिगत भी हो सकती है, इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है, डिस्क्रीट सीरीज हो सकती है और कंटिन्यूअस सीरीज होती है। मैंने बताई थी आपको व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर रेंज की गणना किस प्रकार की जाएगी, किस प्रकार से उसको कैलकुलेट किया जाएगा? तो उसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एच माइनस एल, आर इक्वल टू रेंज, एच इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू, एल इक्वल टू लोएस्ट वैल्यू। क्लियर हो गई बात? और विस्तार का गुणांक कॉफिशियंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है आपका एच माइनस एल और एच प्लस एल, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू घटा देंगे, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? विस्तार आ जाएगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे वो देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो ये चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन अपकिरण के माप, यूनिट नंबर थर्ड का चैप्टर है, यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड का चैप्टर है और यूनिट नंबर थर्ड में, जो यूनिट नंबर थर्ड का चैप्टर है, यूनिट नंबर थर्ड में
इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए इसके क्वेश्चन किस प्रकार से, अब हम एक एक मेथड इसमें पढ़ेंगे। पहले रेंज पढ़ेंगे, रेंज के फिर जितने भी क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे। रेंज के बाद अपन पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, फिर QD पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे परसेंटाइल रेंज, उसका भी फॉर्मूला। क्लियर? तो देखिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपका, निम्न संख्याओं के समूह का विस्तार व तथा उनके गुणक की गणना कीजिए। फर्स्ट तो आपको कैलकुलेट करना है रेंज, और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है रेंज। देखिए क्वेश्चन ए, 10, 6, 16, 8, 14, 12, और 8 और 6। बी क्वेश्चन दे रखा है आपका 4.77, 3.45, 4.63, 5.62, 5.63, 3.35, 5.95, और लास्ट आपको वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3.37। क्लियर? तो ये आपको दे रखा है रेंज। यहां पर इन्होंने दे दिया सी, और 1100। देखिए निम्न संख्याओं के समूह का विस्तार तथा उनके गुणन की परिगणना कीजिए। देखिए निम्नलिखित, निम्न संख्याओं के समूह का विस्तार तथा उनके गुणन की गणना कीजिए। फर्स्ट है रेंज, सेकंड है कॉफिशियंट ऑफ रेंज। ठीक है, देखिए ए 10, 6, 16, 8, 14, 12, 24, 8, 6, 4.77, 3.45, 4.63, 5.62, 5.63, 3.35, 5.9, 5.3.37, और 1050, 1040, 1060, 1090, 1975 और 1100। ये आपको तीन क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं ए बी और सी। क्लियर? और आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। किस किस की कैलकुलेशन करनी है आपको? एक तो रेंज की कैलकुलेशन करनी है। किसकी? रेंज की। क्लियर हो गई बात? रेंज की कैलकुलेशन करनी है आपको, रेंज की। देखिए रेंज की कैलकुलेशन करनी है आपको, एक तो
तो देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से रेंज की गणना की जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट और उसका ए पार्ट मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। देखिए आपको नंबर्स दे दिए, ठीक आपको क्या दे दिए? नंबर्स दे दिए। नंबर्स में देखिए आपको क्या दिया, 10, 6, 16, 8, 14, 12, 24, 8 और 6, ये आपको नंबर्स दिए हुए, क्लियर? ये नंबर दिए हुए। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको रेंज निकालना है। आर इक्वल टू एच माइनस एल, ये फॉर्मूला था रेंज का। और देखिए इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, इस नंबर्स में जो इंडिविजुअल सीरीज है इसमें हाईएस्ट वैल्यू 24 आपको नजर आ रही है। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू तो आपकी 24 आ गई, लोएस्ट वैल्यू देखेंगे तो 6 लोएस्ट वैल्यू है, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 18। तो रेंज का आंसर तो आपका क्या आ गया, 18 आ गया। अब इसमें गुणक भी पूछा है, कॉफिशियंट ऑफ ऑफ रेंज, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला था एच माइनस एल बटा एच प्लस एल, यही फॉर्मूला था। देखिए एच हाईएस्ट वैल्यू आपकी 24 है और लोएस्ट वैल्यू 6 है, बटा 24 प्लस 6 इक्वल टू, देखिए 24 तो 18 डिवाइड बाई 30, 18 में 30 का डिवाइड कर दीजिए। देखिए 18 डिवाइड बाई 30, कैलकुलेटर से एग्जाम में फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ है, वो आप कैलकुलेटर का उपयोग करें। 18 डिवाइड बाई 30.06, ये आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखिए मैंने रेंज बताया था आपको, रेंज अभी पढ़ाया है कि किस प्रकार से रेंज की कैलकुलेशन की जाती है। रेंज का फॉर्मूला होता है आर माइनस एच माइनस एल, एच इक्वल टू हाइएस्ट वैल्यू, एल इक्वल टू लोएस्ट वैल्यू, और जो कॉफिशियंट ऑफ रेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है एच माइनस एल और एच प्लस एल। और जब इंडिविजुअल सीरीज होती है तो किस प्रकार से हम रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं, क्लियर हो गई बात। अब देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर बी की। देखिए बी नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए कंप्लीट है, अब हम बात करेंगे बी नंबर के क्वेश्चन की। देखिए बी नंबर, बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, बी नंबर में क्वेश्चन दे रखा है आपको 4.77, फोर पॉइंट सेवन सेवन, 3.45, 4.63, 5.62, 5.63, 3.35, 5.95 और 3.37, क्लियर? ये नंबर्स दे रखे हैं 4.77, 3.45, 4.63, 5.62, 5.63, 3.35, 5.95 और 3.37, क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर वही क्या पूछा है, आर पूछा है, आर का क्या फॉर्मूला होगा, एच माइनस एल होगा। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखिए हाईएस्ट वैल्यू ये दे रखी है 5.95, माइनस लोएस्ट वैल्यू आपकी, लोएस्ट वैल्यू है 3.35, क्लियर 3.35। देखिए 5.95 में से 3.35 घटा दीजिए, इक्वल टू 2.6, तो देखिए रेंज इक्वल टू 2.6। अब अपना फॉर्मूला था कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का आपका फॉर्मूला होता है एच माइनस एल बटा एच प्लस एल।
एच माइनस एल बटा एच प्लस एल। तो देखिए एच माइनस एल, एच आपका है 5.95 माइनस 3.35 बटे 5.95 प्लस 3.35। तो देखिए इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6 डिवाइड 5.95 प्लस 3.35 ना, तो ये आ गया 9.3 इक्वल टू डिवाइड बाय 9.3.27 28 कर लीजिए 0.28 आपका किसका आंसर आ जाएगा, बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट क्वेश्चन में ही तीन क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो सी पार्ट वाला देख लीजिए। अब फिर वही नंबर्स और आपको यहां पर दे दिया कौन सा सी, तो सी में क्या क्या दे रखा है, 1050, 1040, 1060, 1090, 1075 और 1100। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, 2, 2, 4, 2, 6 नंबर्स आपको प्रश्न में दी हुई है। क्लियर। अब इसका भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, एच माइनस एल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब देखिए इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये रही हाईएस्ट वैल्यू 1100 माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये रही लोएस्ट वैल्यू 1040 इक्वल टू 60। 60 आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। फिर देखिए आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू एच माइनस एल बटा एच प्लस एल, यही फॉर्मूला है। तो देखिए एच हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 1100 माइनस 1040 बटा 1100 प्लस 1040। तो देखिए 60 डिवाइड बाय 2140 भाग दे दीजिए, पॉइंट जीरो टू एट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। तो देखिए ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। 60 देखिए ये आपका 1100 प्लस 1040 2140, तो 60 डिवाइड बाय 2140, ठीक है, इसको आप देखिए या तो ये दे दीजिए या इसका आंसर आप 03 भी बता सकते हैं, 8 है तो इसको यहाँ डिजिट मैंने बता दी। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, द मंथली प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मंथली प्रॉफिट या लॉस फॉर 6 मंथ ऑफ ए फैक्ट्री
ऑफ ए फैक्ट्री आर एस अंडर कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कॉफिशेंट इट्स कॉफिशेंट क्लियर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे दिया इन्होंने मंथ, मंथ 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 और इन्होंने दे दिया प्रॉफिट या लॉस किसमें आर एस में। जनवरी 5,000, 10,000, फरवरी मार्च और मार्च में आपको दे दिया 15,000, अप्रैल अप्रैल में माइनस का 5,000, मई और मई में भी आपका दे दिया 1,000 और जून माइनस के 2,000। ये आपको प्रश्न संख्या दो दे रखी है। प्रश्न संख्या दो 5,000, 10,000, 2,000 माइनस के 5,000, 5,000, 10,000 मार्च में 2,000 है, 2,000 माइनस 5,000 1,000 और माइनस के 2,000। ये आपको प्रश्न संख्या दो दे रखी है। बिजनेस स्टेटिक्स की बुक है आपकी और आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, चैप्टर नंबर 10 है और उसका क्वेश्चन नंबर दो है। क्वेश्चन नंबर दो आपको देखिए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में भी दे रखा है, मैंने बोर्ड पे भी आपको क्वेश्चन मेंशन कर दिया किस प्रकार से क्वेश्चन का आप क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, रेंज पूछी है, रेंज और क्या पूछा, कोएफिशिएंट। तो देखिए ये क्वेश्चन था और इसमें आपको रेंज और कोएफिशिएंट पूछा है। तो आपको मुझे बताइए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू एच माइनस एल ही होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो देखिए इस प्रश्न में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो हाईएस्ट वैल्यू मेरे को 10,000 नजर आ रही है। देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 10,000 माइनस, लोएस्ट वैल्यू देखिए माइनस की 2,000 या 1,000 या माइनस के 5,000। अब बच्चे क्या करते हैं, माइनस के साइन को तो देखते नहीं है और वो 1,000 ले लेते हैं, तो उनका क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए यहां पर माइनस के जो 5,000 है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो माइनस 5,000 इक्वल टू 10,000 और माइनस प्लस और ये आ जाएगा 5,000 इक्वल टू 15,000 आपका क्या आएगा, रेंज का आंसर आएगा। 15,000 आपका किसका आंसर रहेगा, रेंज का आंसर रहेगा, रेंज इक्वल टू 15,000। अब बात करते हैं कॉपीशेंट ऑफ रेंज की, किसकी कॉपीशेंट ऑफ रेंज। तो देखिए कॉपीशेंट ऑफ रेंज क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था H माइनस एल बटा एच प्लस एल, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू बटा हाइएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, क्लियर। तो देखिए यहां पर आपकी हाइएस्ट वैल्यू है 10,000 माइनस और माइनस के 5,000, इधर देखिए 10,000 प्लस और माइनस के 5,000, क्लियर हो गई बात। तो देखिए इसको हल करेंगे आप तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 ये तो आ गया आपका, ये लो प्लस का साइन और ये प्लस और माइनस क्या रहेंगे, माइनस ही रहेंगे। तो 10,000
माइनस 5000 इक्वल टू, देखिए यहाँ ऊपर आपका 15000 है और ये आपका कितना है 5000 है, इक्वल टू 3, कितना 3, आपका 3 क्या आएगा, कॉपीशेंट ऑफ रेंज आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट रेंज क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कॉफिशेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए रेंज पूछा है, फिर आपसे पूछा है रेंज, और उसका क्या पूछा है, कॉफिशेंट। अब देखिए इन्होंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, साइज और फ्रीक्वेंसी, साइज और फ्रीक्वेंसी। देखिए साइज और फ्रीक्वेंसी दे दी, साइज में इन्होंने दिया 4, 6, 8, 10, 12, 14, क्लियर। और फिर इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी 2, 1, 3, 6, 4 और 1, ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया क्या है, कि मिड वैल्यू दे रखी है, मिड वैल्यूज, और आपको फिर नंबर ऑफ प्लांट्स दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपका 65, 75, 85, 95, 105, क्लियर। तो देखिए अब फ्रीक्वेंसी दे दी यहां पर 2, 5, 12, 8 और 3। देखिए ये 2% दे रखे हैं, फिर आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कितने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और दोनों क्वेश्चंस में इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, रेंज पूछा है, और दूसरा पार्ट क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, साइज 4, 6, 8, 10, 8, 10, 12, 14, फ्रीक्वेंसी 2, 1, 3, 3, 6, 4, 1, मिड वैल्यूज है और नंबर ऑफ प्लांट्स है, क्लियर हो गई बात। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, ये देखिए सॉल्यूशन इसका, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हल, देखिए थर्ड का फर्स्ट आपको क्या दे रखी है, देखिए साइज दे रखी है, और आपको एक क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है।
साइज है 4, 6, 8, 10, 12 और 14। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 है, 3 है, 6 है, 4 है और 1 है। क्लियर। अब आपको मालूम है कि ये कौन सी सीरीज है, ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि इसमें ये तो आपकी क्या मानी जाएगी x और ये क्या मानी जाएगी आपकी f फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई बात, कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज में देखिए रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज किस प्रकार से निकाला जाएगा। देखिए रेंज r h माइनस l वही फॉर्मूला होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब इस x के अंदर अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो इस x साइज के अंदर हाईएस्ट वैल्यू देखिए 14 है, यही हाईएस्ट वैल्यू, और लोएस्ट वैल्यू कितनी है 4 है। तो आपका ये कितना आएगा 10 आपका आंसर रहेगा। क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात कर रहा है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी कैलकुलेट कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस l बटा h प्लस l, ठीक है, h माइनस l बटा h प्लस l। देखिए हाईएस्ट वैल्यू 14 माइनस 4 बटा 4 प्लस 14 प्लस 4, तो देखिए आपकी 10 डिवाइड बाई 18, 10 में 18 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा 0.55। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कंप्लीट है, 10 आपका रेंज है, कोफिशिएंट भी आपका कंप्लीट है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन चले आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है और थर्ड का सेकंड क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दे रखी है 65, 75, 85, 95, 105 और नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है। तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है और ये आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है। अब कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में खूब अच्छे से बताया है कि अगर मिड वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है तो किस प्रकार से हम उसकी क्लास कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्लास कैलकुलेट करनी पड़ेगी। व्यवस्थित तरीके से प्रश्नों को करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए आपका थर्ड का सेकंड, मिड वैल्यूज देखिए मिड वैल्यूज। अब इसकी मिड वैल्यू से हमें क्या बनानी पड़ेगी क्लास, और यहां आपको दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो देखिए क्लास कैसे बनाएंगे, मिड वैल्यू आपको दे रखी है 65, 75, 85, 95 और 105। क्लियर। अब मिड वैल्यू से देखिए इक्वल डिफरेंस है सभी में, यहां 10 का, यहां 10, यहां भी 10 का इक्वल। यदि इक्वल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू हो तो किस प्रकार से क्लास बनाई जाती है, मैंने बताया था कैसे बनाई जाएगी। देखिए इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस 75 माइनस 65 इक्वल टू
टेन, 75 माइनस 65 इक्वल टू 10। देखिए 10 डिफरेंस है, तो 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5, 10 डिवाइड बाई इक्वल टू क्या आ गया 5। तो देखिए इस 5 को इसमें से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 60, इस 5 को इसी में ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 70, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर 75 में से 5 घटाइए 70, ऐड कीजिए 80, 85 में 5 को घटाइए 80, 85 में 5 को ऐड कीजिए 90, 95 में 5 को क्या कीजिए माइनस कीजिए 90, ऐड कीजिए 100, माइनस कीजिए इसमें से 105 में से तो 100 और ये 110, क्लियर। ये आपका यहाँ पर देखिए, अब नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दे रखे हैं 2, 5, 12, 8 और 3। अब थर्ड के सेकंड में आपसे वही क्या पूछी, रेंज पूछा, तो रेंज का फॉर्मूला देखिए, रेंज R इक्वल टू H माइनस L H। अब H इसमें कहां देखेंगे, ध्यान रखना जब भी कंटिन्यूअस सीरीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है और आप रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए यहां पर जो क्लास है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1010 माइनस लोएस्ट वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू 50 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। देखिए किस प्रकार से क्या हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, किस प्रकार से लोएस्ट वैल्यू को देखा जाता है, मिड वैल्यू है तो क्लास बनाएंगे, क्लास में देखा जाता है हाईएस्ट क्लास और लोएस्ट क्लास और फिर आपका क्या कैलकुलेट हो जाता है, रेंज कैलकुलेट हो जाता है। अब देखिए यहां पर कॉफिशेंट ऑफ रेंज इक्वल टू एच माइनस एल और एच प्लस एल। देखिए हाईएस्ट वैल्यू आपकी है माइनस लोएस्ट वैल्यू 60 है, डिवाइड 1010 प्लस 60 इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 170 इक्वल टू, देखिए 50 में डिवाइड कर दीजिए 0.29 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा, क्लियर होगी बात, किसका आंसर रहेगा आपके थर्ड के सेकंड पार्ट का आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट, नंबर एक क्लास, फ्रीक्वेंसी, टेन से फिफ्टीन
से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 क्लियर, और 35 से 40, और 40 से 45 ठीक है। फ्रीक्वेंसी 21, फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 16, 12, 2, 9 और 2 क्लियर, ये है। ठीक है, रेंज एंड कॉपिशेंट ठीक है। फिर दे दिया मैक्स लोड सेकंड लोड नंबर ऑफ केबल्स नंबर ऑफ केबल्स और ये दे रखा है 93 से 97, 98 से 102, 103 से 107, 108 से 1013 से 117 और 118 से 122 और 123 से 127 और 128 से 132। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 256, 256 क्लियर, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फिर इन्होंने दे दी 8, 10, 8, 10 और 5 और फिर इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है 3 और 1 क्लियर। तो ये भी यहां पर देखिए आपके दो क्वेश्चंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट और क्वेश्चन संख्या सेकंड, और दोनों में उन्होंने रेंज और कॉपिशेंट ऑफ रेंज पूछा है और दोनों ही प्रश्न आपके, दोनों ही प्रश्न आपके कंटिन्यूअस सीरीज के हैं क्लियर। कौन सी सीरीज के हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के दोनों ही क्वेश्चन है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कंटिन्यूस सीरीज में आपके इंक्लूसिव फॉर्म में क्वेश्चन है क्लियर, तो आप इसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसे हल करें।